नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। दलित आंदोलन में हिंसा झेलने के बाद ग्वालियर में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। ग्वालियर में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, जिससे लोगों को काफी राहत महसूस हुई। सब्जी मार्केट, दूध डेयरी, किराने की दुकानों पर रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की धरपकड़ भी कर रही है। पुलिस प्रशासन शहर की गतिविधि पर चौकसी बरतते हुए सोशल मीडिया पर विशेष नजर रख रही है। एसपी डॉक्टर आशीष के मुताबिक एहतियात के तौर पर शाम 6 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू लग जाएगा। कर्फ्यू में ढील दी गई है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है और तब भी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग बल तैनात रखे हैं कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि आम नागरिक भी शांति पसंद है, वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और अभी ये ढील शाम 6 बजे तक रहेगी। तब तक जो भी आवश्यक कार्य है और जो दैनिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं नागरिकों का, उसके लिए वो जो बाहर आना चाहते हैं बाहर आ सकते हैं। वो 6 बजे के बाद फिर कर्फ्यू का लगने का है पूरा? बिल्कुल, एहतियातन शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा और आज के जो जैसा रहता है डेवलपमेंट उस पर कल फिर आकलन कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।